हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप एम IC741। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो IC741 होता है, ये जो IC741 है, ये क्या है? ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर मोस्ट वाइडली यूज होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका मोस्ट वाइडली यूज एम्पलीफायर है। तो आज हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप एम आईसीज। इट इज़ ए हाई परफॉर्मेंस मोनोलिथिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी ये क्या होता है? दिस इज ए हाई परफॉर्मेंस मोनोलिथिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एनालॉग एप्लीकेशन सच एज इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, समिंग एम्पलीफायर एट्सेट्रा। यानी कई एनालॉग एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। मतलब अगर आप डिफरेंशिएटर सर्किट बना रहे हैं, डिफरेंशिएटर, ठीक है, उसमें भी इंटीग्रेटर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप समिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं। अभी ये सब क्या होते हैं, ये भी हम लोग आगे आने वाली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। समिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हो तो डिफरेंट तरह के जो एनालॉग एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट तरह के जो एनालॉग एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें इस ऑप एम 741 IC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर इसके मेन हम फीचर्स की बात करें कि इसके मेन फीचर क्या होते हैं, फीचर्स, तो मेन फीचर जो इसके होते हैं, पहला तो क्या है कि इसमें नो फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड। नो फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन इज नीडेड। पहली चीज तो फायदा इसमें ये है। सेकंड क्या है इसका कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है इसमें। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड यह है ऑफसेट वोल्टेज नल कैपेबिलिटी। जो ऑफसेट वोल्टेज होता है, ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है इसमें? नल होता है, ठीक है, ये कैपेबिलिटी होती है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि लार्ज कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल वोल्टेज रेंजेस। यानी चाहे हम कॉमन मोड में ये यूज करें इसको, लार्ज कॉमन मोड या एंड डिफरेंशियल मोड, कॉमन मोड, डिफरेंशियल मोड, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशियल वोल्टेज रेंजेस। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि नो लैचअप्स, इसमें कोई नो लैचअप्स। तो ये इसके बेसिक फीचर हैं ऑप एम 741 IC के। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि IC741 का पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो पिन कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। तो अगर देखिए, अगर हम 8 पिन मिनी DIP पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो 8 पिन्स में क्या होगा इसका, अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर आप 8 पिन बना देंगे तो मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली यहाँ ये हो गया 5, 6, 7 और 8। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 पिन मिनी ड्यूल इन लाइन, DIP मतलब ड्यूल इन लाइन पैकेज फॉर IC741, ठीक है। तो अब इसमें जब आप देखिए, पिन नंबर में किसी भी अगर पिन डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें पिन की नंबरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हमने कहा ये 1 है, ठीक। मान लीजिए हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि वो उसमें मिक्स नहीं होगा। ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी।
अब इसमें क्या होगा कि ये 8 पिन है, तो कौन सा पिन क्या काम करता है। ठीक, तो देखिए जो पहला पिन है इसको तो आप लिख सकते हैं ऑफसेट नल, पिन नंबर वन का ये काम है। सेकंड क्या है आपका, इन्वर्टिंग इनपुट है। थर्ड क्या है आपका, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक, फोर्थ क्या है आपका, ये निगेटिव पावर सप्लाई देते हैं फोर्थ पिन पे। फिर आप जाइए फिफ्थ पे, फिफ्थ पे हम क्या करते हैं, फिफ्थ भी आपका ऑफसेट नल है, ऑफसेट नल। ठीक, फिर छठे पिन पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम आउटपुट लेते हैं ऑप एम्प का। क्लियर, पिन नंबर सेवन पे हम पॉजिटिव डीसी पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ निगेटिव डीसी पावर सप्लाई, पिन नंबर फोर पे यहाँ पॉजिटिव डीसी पावर सप्लाई, और आठवें नंबर पिन का कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसको आप लिख सकते हैं नो कनेक्शन। ठीक, अब अगर इसको अगर आप अंदर ब्लॉक डायग्राम सिंबल से दिखाना चाहें तो मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऑप एम्प ऐसे सिंबल से दिखा दीजिए। ठीक, इन्वर्टिंग इनपुट ये गया ऑप एम्प में, नॉन इन्वर्टिंग ये गया, आउटपुट कहाँ जाना है, पिन नंबर छः पे गया ऐसे। ठीक, फिर पॉजिटिव पावर सप्लाई पिन नंबर सेवन पे मान लीजिए हमने दिखा दिया ऐसे, और निगेटिव पावर सप्लाई पिन नंबर फोर पे ऐसे। तो ये होता है आपका कि IC741 का पिन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये जो DIP हमने लिखा है ये आप लोगों ने जब आप IC पैकेजिंग पढ़ेंगे तभी तब आपको क्लियर होगा, अदरवाइज इसको बोलते हैं ड्यूल इन लाइन पैकेजिंग पैकेज। ठीक है, जहाँ पे भी आप IC में आप देखेंगे ना जो पैरेलल जो पिंस लगी रहती हैं, जैसे ये पिन है एक, इसके साथ एक ये है, ये है इसके साथ ये है, ये है इसके साथ ये, तो इस तरह की पैकेजिंग को DIP पैकेजिंग या ड्यूल इन लाइन पैकेजिंग कहते हैं। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट ऑफ द IC741 पिन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें ड्यूल इन लाइन पैकेजिंग के अलावा भी कई तरह की पैकेजिंग यूज की जाती है IC के ऑप एम्प के पैकेजिंग में। ठीक है, तो आप इसको आप चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं अदर पैकेजेस ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, और कौन कौन सी पैकेजिंग यूज की जाती है ऑप एम्प के पैकेजिंग में, तो पहला आप लिख सकते हैं क्या, 10 पिन फ्लैट पैक, 10 पिन इसमें 10 पिनें होती हैं फ्लैट पैक। सेकंड आप लिख सकते हैं 8 पिन मेटल कैन, 8 पिन मेटल कैन, और थर्ड आप लिख सकते हैं 14 पिन DIP, जैसे अभी हम लोगों ने 8 पिन DIP पढ़ा था ऐसे 14 पिन DIP। ठीक है, अब देखिए 10, अब इनको अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो जैसे पहले हम 10 फिट पिन फ्लैट पैक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आप ऐसे IC बनाइए, आप ये भी ड्यूल इन लाइन है, और इसमें जैसे हमने 8 पिन बनाए थे वहां पे अभी पहले, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप कह सकते हैं कि से पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ये हो जाएगा आपका 6, 7, 8, 9, 10 10 पिन इसमें यूज होगा। इसमें जैसे पिन नंबर 3 और 4 ऑप एम्प के उसके इनपुट के लिए यूज होते हैं तो ये आपका चला जाएगा इसमें, और आउटपुट किस पे लेते हैं, पिन नंबर 7 पे, तो आउटपुट आ जाएगा पिन नंबर 7 पे। ठीक है, बाकी किस पिन पे कौन सा चीज, जैसे मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। देखिए 1 पिन नंबर 1 जो है नो कनेक्शन लिख दीजिए। ठीक, पिन नंबर 2 ऑफसेट नल, ऑफसेट नल। पिन नंबर 3 इन्वर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 4 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको बुक से करेंगे क्लियर हो जाएगा। पिन नंबर 5 पे निगेटिव पावर सप्लाई। पिन नंबर 6 फिर से आपका ऑफसेट नल। ठीक है, पिन नंबर 7 पे आउटपुट लेंगे आप। पिन नंबर 8 पे पॉजिटिव पावर सप्लाई अप्लाई होगी। पिन नंबर 9 नो कनेक्शन। पिन नंबर 10 नो कनेक्शन।
तो अगर हम 10 पिन फ्लैट पैक यूज करेंगे तो उसकी ये डिटेल है। अगर फिजिकली आप कहेंगे कि, वैसे तो आप बुक में आप डायग्राम देख सकते हैं कि फिजिकली आप देखेंगे तो ये करीब करीब आपको ऐसे इसकी पैकेजिंग दिखेगी। यहाँ पे ये सर्किल और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गया आपका 10, इसे कह सकते हैं हम 10 पिन फ्लैट पैक। क्लियर। अब आ जाइए सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे क्या कह रहा है, सेकेंड वाले पे है आपका 8 पिन मेटल कैन। ठीक है, सेकेंड, अब इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसको देखिए ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिए, आप सिंपली आपने इसे सपोज कीजिए, ऐसे आसान पड़ेगा आपको समझने में, एक सर्किल ड्रॉ किया, पिन नंबर 1 मान लीजिए, 2 दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा पिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह होता है। अब इसमें जो पिन की नंबरिंग होती है, वो पिन के नंबरिंग जो होती है वो ऐसे, ये होती है पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हो गए इसके पिन्स। अब कौन सा पिन क्या करता है, तो फिर वही आप देखिए, यहाँ पिन नंबर 2 ये होता है आपका इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 6 पे आउटपुट। तो आप अगर यहाँ पे एक ऑपएम्प का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो इसका आउटपुट दे दीजिए इसमें, ये इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक, पिन, अच्छा, वन, पिन नंबर 1 की क्या स्थिति होती है, ये हो गया आपका निगेटिव ऑफसेट नल, 2, 3 हो गया, 4 क्या होता है, 4 पे हम निगेटिव पावर सप्लाई देते हैं ऑपएम्प के लिए, 5 पे पॉजिटिव ऑफसेट नल हो गया। ठीक, पिन नंबर 7 पे पॉजिटिव पावर सप्लाई और पिन नंबर 8 जो है नो कनेक्शन रहता है। क्लियर, तो ये क्या है, ये है हमारा 8 पिन मेटल कैन। ठीक, फिजिकली आप बात करेंगे तो ये आपको फिजिकल आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम्स आप बुक में ज़्यादा बेटर ढंग से देख सकते हैं, ये हो गया। और जो इसके पिन लगे हुए हैं, मान लीजिए आप एक साइड से देखेंगे तो आपको कुछ पिन बैक साइड में, तो जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये इस तरह के इसके पिन रहते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया 8 पिन मेटल कैन। अब उसके बाद लास्ट सेकेंड भी हो गया, लास्ट जो आपका बचता है 14 पिन डीआईपी में, तो देखिए 14 पिन डीआईपी को अगर हम लोग यूज करेंगे तो 14 पिन डीआईपी में क्या होगा कि डीआईपी तो आपको बता ही दिया है, पैरेलल में पिंस लगी होंगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल 14 पिन होंगी, 7 एक तरफ और 7 एक तरफ, मान लीजिए हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसको पिन नंबरिंग कर दीजिए तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर ये हो जाएगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कौन सा पिन क्या काम करेगा। तो देखिए पिन नंबर 1 और 2 में क्या होता है, कोई यूज नहीं होता, नो कनेक्शन। पिन नंबर 3 हो गया आपका ऑफसेट नल, पिन नंबर 4 इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 5 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 6 निगेटिव पावर सप्लाई, पिन नंबर 7 नो कनेक्शन, पिन नंबर 8 नो कनेक्शन, पिन नंबर 9 नल, पिन नंबर 10 पे क्या करते हैं हम आउटपुट लेते हैं आउटपुट। ठीक है, फिर 11 पे पॉजिटिव
पावर सप्लाई देते हैं। फिर पिन नंबर 12 नहीं यूज़ हो, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, और 14 नो कनेक्शन। तो ये अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ ऑप एम्प का अगर आप सिंबल यूज़ करेंगे तो ये इन्वर्टिंग इनपुट गया, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट गया, और आउटपुट आ गया हमारा पिन नंबर 10 पे। ठीक, तो ये होता है आपका यू कैन से 14 लीड, 12 इन लाइन पैकेज। फिजिकली अगर आप बात करेंगे तो फिजिकली भी आपका ये देखने में ऐसे ही दिखेगा जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था वो वाला 10 पिन वाला, ऐसे आप दिखा दीजिए। ठीक, यहाँ ये सर्किल जैसा टॉप रहेगा, 7 पिन इधर निकले रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होता है, तो ये तीन तरह की पैकेजिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि IC741 की 3 टाइप्स की पैकेजिंग कौन कौन सी है। ठीक है, पहला आपका 10 पिन फ्लैट पैक, फिर 8 पिन मेटल कैन, फिर 14 पिन DIP। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं इस पर डालूँ आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।